लाइट एस एयर एडिडास के शू रिव्यू करे हुए काफी टाइम हो गया है, तो सोचा क्यों ना आज हम एक अच्छा सा शू रिव्यू करें। आज हम बात करेंगे एडिडास प्रीम रनिंग शू के बारे में, जो कि नाम से ही क्लियर है एक रनिंग शू है एंड इसमें क्लाउड फॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है, जो कि एडिडास वालों ने काफी सारे शू में प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं शू के बारे में डिटेल में एंड साथ ही जानेंगे शू के बिल्ट इन डिजाइन के बारे में। पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी यूनिक लगता है, तो बेल आइकन दबा लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर जाए। एंड चलिए एक नज़र डाल लेते हैं शू के बॉक्स की ओर। तो इस शू के बॉक्स के बारे में क्या ही बात करूंगा, पूरे टूटे फूटे कंडीशन में मुझे बॉक्स रिसीव हुआ है। साइड में अगर मैं बॉक्स को टर्न करता हूं तो इस तरफ मुझे मॉडल नेम देखने को मिल जाता है, जो कि पार्शियली विजिबल है। प्राइसिंग वगैरह भी यहां पे मेंशन कर रखी है, जो कि थोड़ा बहुत डिफर करती है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। एंड चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं एडिडास के शूज़ एंड इनका एक क्विक लुक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बिल्ट इन डिज़ाइन के बारे में। तो ये शू एक प्रॉपर ब्लैक स्नीकर जैसा लुक देता है, विच इज़ क्वाइट सिंपल यार एंड लोगोस वगैरह में यहाँ पे वाइट कलर यूज़ कर रखा है। बात करते हैं शू के स्पेसिफिक आउटर डिज़ाइन की, तो यहाँ पे एकदम सेंटर में आपको एडिडास का 3 डैश वाला लोगो देखने को मिल जाएगा। बचे हुए पोर्शन में मेनली यहाँ पे डॉटेड पैटर्न को फॉलो कर रखा है, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है एंड यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ कर रखा है वो मैश है। क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी एकदम टॉप क्लास यूज़ करी गई है। वहीं अगर मैं शू को टर्न कर रहा हूँ तो इस तरफ भी सेम बिल्ट इन डिजाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। बात करता हूँ शू के स्पेसिफिक बैक की, तो यहाँ पे बैक में एडिशनली एक पैच को अटैच कर रखा है, जिसके ऊपर कुछ लाइनिंग पैटर्न फॉलो कर रखा है लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में। मैं सेम डिजाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, एकदम सेंटर में यहाँ पे एडिडास का सॉलिड लोगो भी यूज कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं शू के बैक सोल की, तो बैक सोल की डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रोवाइड कर रखी है। ऑल्सो इस डिज़ाइन को इसलिए बनाया गया ताकि आप लोगों की ग्रिपिंग थोड़ी स्ट्रांग हो। यहाँ पे मेनली आपको सब जगह पर ब्लॉक पैटर्न देखने को मिलेंगे, बट अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे पीछे के साइड तो कुछ लाइनिंग डिज़ाइन भी एड ऑन कर रखी है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लाउड फॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है सोल में, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को इसको टैप करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको कहीं पर भी टैप कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग आ रही है एंड इवन अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो शूज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर की ओर जा रहे हैं। बट स्पेसिफिक बैक साइड की बात करें तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ शू के साइड सोल के बारे में, तो साइड सोल में भी एक्जैक्टली सेम बिल्ड का यूज़ करा गया एंड लिटरली गाइस अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रहा है। यहाँ पे साइड सोल का आउटर से स्टिच कर रखा है ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड आप लोग देख सकते हैं साइड में यहाँ पे क्लाउड फॉर्म भी लिखा गया। वहीं अगर मैं शू को टर्न करूँ तो इस साइड में भी सेम बिल्ड एंड डिज़ाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। साइड सोल की हाइट की बात करें तो वो यहाँ पे 1.5 इंच दे रखी है एंड लेसेस की ओर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको राउंड लेसेस मिलेंगे, जो कि सबसे बेस्ट होते हैं अगर आप इस शू को रनिंग या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। तो पीछे की ओर यहाँ पे एक और एडिडास का लोगो यूज़ कर रखा है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के इनर सोल के बारे में, तो यहाँ पे आपको एडिडास का ओरिजिनल इनर सोल मिलेगा, जिसको मैं एक बार आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको एक सिंगल लेयर मिल जाती है रबर की, जिसके ऊपर फॉर्मिंग नहीं कर रखी है एंड उसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफर्ट को लेकर इश्यूज बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो रबर यूज़ करा गया है उसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। अंदर की ओर आपको सर्फेस प्लेन करने के लिए एक फैब्रिक की लेयर भी देखने को मिलेगी, जिसको मैं एक बार आप लोगों को टैप करके दिखा देता हूँ। एंड ऑल्सो कम्फर्ट को थोड़ा मेंटेन करने के लिए अंदर की जो लेयरिंग करी गई है उसमें थोड़ा बहुत फॉर्म यूज़ करा गया है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरफ डिफरेंट कंट्री के साइजेस भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं शू के वेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक शू का वेट देखने को मिलेगा 245 ग्राम्स एंड वहीं अगर मैं कंबाइंड वेट की बात करूँ तो वो अंडर 500 आता है, जिसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड रनर्स को मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वेट एक ऐसा फैक्टर है जो कि रनिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो एक बार मैं आप लोगों को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है, जिसका मतलब मेनली यहाँ पे फॉर्म का यूज़ करा गया है एंड इसी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स कम से कम देखने को मिलेंगे। एंड अभी तक मैंने शू को अराउंड 7 डे तक यूज़ करा है, पर फिर भी मुझे माइनर सा भी स्ट्रेच मार्क्स विजिबल देखने को नहीं मिला, जो कि रियली में काफ़ी अमेजिंग है। आउटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स बनते नजर आएंगे, बट ये टेम्प्रेरी रहेंगे इसके बिल्ड के कारण। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट के बारे में,
तो यार पता नहीं क्यों शू को पहनते ही मुझे एमआई स्पोर्ट्स शू जैसी फील आई। एंड आप लोगों को मैंने पहले ही बताया तो वाला शू बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप लोगों को कंफर्ट अच्छा लगता है तो। एंड यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली सेम कंफर्ट देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट, वॉकिंग के टाइम ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी लग रहे थे एंड मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। रनिंग टेस्ट की बात करें तो इस शू में रनिंग को लेकर सब कुछ अच्छा था, पर मुझे पर्सनली इसका आर्च सपोर्ट थोड़ा बेकार लगा क्योंकि जब भी मैं रन कर रहा था उस टाइम पे मुझे प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं मिली जिसके कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा था। एंड मैंने शू को दोनों ही सरफेस पे रन करके देखा एंड मुझे एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो सरफेस को लेकर यहाँ पे कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम नहीं बने। फिटिंग की बात की जाए तो ये शू एग्जैक्टली फिट थे मेरे साइज से, आपको यहाँ पे कोई भी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते जंप टेस्ट की, तो एक बार मैं आप लोगों को इस शू में जंप करके दिखा देता हूँ। तो एज एक्सपेक्टेड ये शू जंप के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे एंड स्ट्रेच मार्क्स भी कम से कम बन रहे थे। मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगा आप इस शू को एज अ प्रैक्टिस रनिंग शू परचेस कर सकते हैं या फिर कोई हैवी एक्टिविटी परफॉर्म करना हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेस्ट है। तो गाइस एट द एंड हम बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के बारे में। तो ये शू पड़ा था मुझे एक्जैक्टली 2500 रुपीज़ का। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से शू को परचेस कर सकते हैं। वर्डिक्ट की बात की जाए तो नो डाउट इस प्राइस रेंज में आपको सभी चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो मेरी नज़र में ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। बिल्ट इन डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट क्वालिटी का प्रोवाइड कर रखा एंड लुक वाइज इशू काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। तो आप इस शू का एज अ कैजुअल वेयर परचेस कर सकते हैं जो कि काफ़ी वर्थ रहेगा। हालांकि मुझे शू का आज सपोर्ट बिल्कुल बेकार लगा जिसके कारण रनिंग में थोड़े बहुत इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शू से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।